हेलो दोस्तों, बहुत साल पहले मुझे आईपीएस ज्वाइन किए हुए उस समय कुछ ही साल हुए थे। मैं काफ़ी इनएक्सपीरियंस था। उस समय मुझे एक दिन फ़ोन आया कि आईजी साहब ने दफ्तर में बुलाया है। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। उसमें काफ़ी एक लंबी सी लिस्ट थी, तो लिस्ट में कई सारे हेड कांस्टेबल्स के नाम लिखे हुए थे और हर एक नाम के सामने एक पुलिस स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा उनसे कि सर क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब ने कहा है तो ये थोड़े ट्रांसफर्स हैं, आप प्लीज़ कर दो। फिर उन्होंने किसी एक सीनियर पॉलिटिशियन का नाम लिया कि हाँ उन्होंने उनके ऑफिस से रिक्वेस्ट आया है। तो मुझे तो काफ़ी अटपटा लगा, तो मैंने कहा कि सर सॉरी मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़े से नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो आप जाके डीजीपी से मिलो, आप उन्हीं को समझा देना बस। तो फिर मैं फिर वहाँ से लुट किया, फिर वहाँ से निकल गया। मैं गया पुलिस हेड क्वार्टर्स, मिला डीजीपी से, तो मैंने उनको फिर वो मैंने बोला कि सर ये लिस्ट आईजी साहब ने दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो थोड़ा ट्रांसफर है, प्लीज़ आप कर दो, एक रिक्वेस्ट आया। उन्होंने अगेन उन्होंने उन्हीं पॉलिटिशियन का नाम दिया। तो मैंने कहा कि सॉरी सर ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वो थोड़े से नाराज़ हो गए, सख्त हो गए। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत भला बुरा सुनाया, बट बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो जैसा कि आपने अनुमान लगा लिया होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो जैसे जो नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर रूलिंग पार्टी, वो पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करती हैं और बहुत दखलंदाजी करती हैं पुलिस में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पुलिस डिपार्टमेंट में दखलंदाजी कर पाती हैं और इसको रोकने का क्या तरीका है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में दखलंदाजी कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो उसके पहले सवाल तो ये है कि पुलिस में दखलंदाजी जो अगर मान लीजिए कोई करता भी है, मान लीजिए होम मिनिस्टर या कोई एमएलए एमपी हैं, करते भी हैं, तो उसमें कोई गलत बात है क्या? गलत है, क्यों है? तो उसमें समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक बड़ा हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर। तो मान लीजिए कोई जूनियर डॉक्टर हो, वो एक मरीज को देख रहा हो, तो वो मरीज से बात करता है, उसके सिम्टम्स पूछता है, उसके ब्लड टेस्ट और बाकी रिपोर्ट देखता है। उसके बाद में वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस मरीज को कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट? अब मान लीजिए कोई उस हॉस्पिटल के सीईओ आते हैं वहां पे, और मान लीजिए वो सीईओ डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, पर वो सीईओ हैं उस हॉस्पिटल के। वो अगर कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो पेशेंट है, इनको कोई और बीमारी है, आप उनको वो दवाई दो, तो आप इसको सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? गलत है, नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर का रोल है वो एक टेक्निकल रोल है। ये सीनियर जूनियर की बात नहीं है, ये बात है कि उसमें मरीज की बीमारी को समझना, उसको ट्रीट करना, इसके लिए स्पेशलिस्ट स्किल्स चाहिए, और वो स्किल सिर्फ उस डॉक्टर के पास में है, और जो डॉक्टर उस मैटर को देख रहा हो सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है। उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो पुलिस के पास जो भी पावर्स और जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ज़्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह, बट ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वही पुलिस अफसर जो उस मैटर में इन्वॉल्व हो वही डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पे क्या एक्शन लेना हो। जैसा कि मान लीजिए कोई एक कंप्लेनेंट आता है, अब उसने एक पिटिशन दी या एक कंप्लेंट दिया, अब उस कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, ये सिर्फ जो उस थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये उस एसएचओ की मनमानी नहीं है। कानून में क्लियरली बताया गया है कि अगर कंप्लेंट में कोई पहले तो आप देखिए कि इसमें क्राइम कौन सा हुआ है, क्या हादसा है,
और उसमें आईपीसी का कौन सा सेक्शन लग रहा है, अगर वो सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पे एफआईआर रजिस्टर करना है। एक बार एफआईआर रजिस्टर हुआ तो उस केस में किसको एक्यूज बनाना है या नहीं बनाना है, ये डिसीजन सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है, कोई और उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। उसको एक बार अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया गया तो उसको जमानत देनी है कि नहीं देनी है, अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना हो तो कब प्रोड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुलिस को ये पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, और कानून ये कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको डिसाइड करना है, यहाँ तक कि कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो एक सब इंस्पेक्टर को भी नहीं कह सकती है कि इस केस में ये फला फला आदमी एक्यूज नहीं है, इसको छोड़ो, इसको आप एक्यूज बनाओ, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पुलिस अफसर को अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनको फैक्ट समझने हैं और उसके बेसिस पे उनको डिसाइड करना। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे कि कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है कानून के हिसाब से। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी लेते हैं, मान लीजिए कोई भीड़ आ रही है, कोई रैली है, और भीड़ ने मान लीजिए पत्थरबाजी की या कोई गाड़ियों को जलाया या कोई हिंसा हुई वहाँ पे, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस फायर करना है कि लाठीचार्ज करनी है कि गोली चलाना है, ये डिसीजन अगर कोई पुलिस अफसर लेता है तो वो अफसर उस स्पॉट पे सीनियर मोस्ट अफसर होना चाहिए, कोई और उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई सीनियर अफसर चाहे तो फ़ोन करके नहीं बोल सकता कि नहीं यहाँ पर आप गोली चलाओ, नहीं, वो डिसीजन उस अफसर का है। तो मतलब कि कई तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये पुलिस को दी गई हैं, यहाँ पे चाहे होम मिनिस्टर भी चाहे तो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है कानून के हिसाब से, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो पुलिस इतना क्यों सबको इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों वो दखलंदाजी करना चाहते हैं, वो इसलिए कि पुलिस जो है वो उसको जो पावर्स दी गई हैं वो काफ़ी वाइड और काफ़ी तगड़े पावर्स हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि वो उसको कंट्रोल करके रखे। अगर मान लीजिए उससे फायदा क्या है, उनको फायदा ये है, मान लीजिए मुझे कोई कंप्लेंट है, अगर मैं थाने में जाता हूँ, अगर किसी एमएलए एमपी ने या किसी पॉलिटिकल लीडर ने मान लीजिए वहाँ फ़ोन करके बोल दिया, तो फिर तो मेरा, अगर मैं वहाँ पर गया तो मेरा एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, कार्यवाही भी जल्दी हो जाएगी। अगर नहीं किया तो फिर उसमें हो सकता है कि उसमें कोई एक्शन ना हो भी तो बहुत डिले हो। तो ये जनता को जो है न्याय मिलने के लिए पुलिस के थ्रू जाना पड़ता है, और कोई और तरीका है नहीं। तो न्याय, अगर किसी को न्याय मिलना हो तो सबसे पहली चीज़ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से सब लोग इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पार्टी के जो लोग हों उनको उनको सपोर्ट करें, और जो दूसरे पार्टी के लोग हों उनको, उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करें, right? तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से टूल है, एक वेपन, हथियार है। इस हथियार को सभी लोग अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि पुलिस को कोई क्यों कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए, आप देखें तो जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अफसर हैं, उनकी नौकरी तो परमानेंट है, सरकारी नौकरी है। अगर मान लीजिए आज ज्वाइन किया किसी ने एज ए सब इंस्पेक्टर या इवन आईपीएस में भी, तो उनको पता है कि मुझे इतने साल सर्व करना है, इस एज में 60 साल की उम्र में या 58 साल की उम्र में इस तारीख को, इस डेट को रिटायर होना हो। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन भी सारे एकदम टाइम पे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने कुछ अच्छा काम कर दिया आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे पुलिस को कंट्रोल कर पाते, क्यों कंट्रोल कर पाते हैं? तो इसका जवाब है ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग। तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, ट्रांसफर, मान लीजिए किसी एक शख्स को या एक अफसर को यहाँ इस यहाँ पोस्टिंग की, चाहे वहाँ पोस्टिंग किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो सवाल यह है कि फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, मैं समझाता हूँ। उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो मान लीजिए मैं एक ऑनेस्ट अफसर भी ले लो, ठीक है, मैं भ्रष्ट जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं कहता हूँ कि आप मान लीजिए कोई ऑनेस्ट हो उसकी बात भी ले लो।
तो अगर कोई कोई अफसर है, मान लीजिए एसपी या आईजी या डीआईजी रैंक में, इवन जूनियर रैंक में, एसपी एसपी या डिप्टी एसपी किसी भी रैंक में, उनको सरकार चाहे तो एक ऐसे पोजीशन में या ऐसे पद पे पोस्ट कर सकती है जहां पे कि उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत उनके पास अथॉरिटी हो, और चाहे तो उनको वहां से हटा के ऐसी जगह भी लगा सकती है जहां पे कि उनको दिन में 10 मिनट का भी काम नहीं हो। मान लीजिए आप एक आईजी हैं या एडिशनल डीजीपी हैं, और एक एक आईजी को अगर एक रेंज या जोन में लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट में लगा दिया गया, तो उनके अंडर में मान लीजिए 5 जिले के पुलिस पुलिस फोर्स उनके अंडर में आते हैं, तो 10,000 पुलिसकर्मी और 5 जिलों का लॉ एंड ऑर्डर उनके उनके कंट्रोल में, उनके सुपरविजन के अंडर है। वहां से हटा के उनको एक और पोस्ट में लगाया गया, मान लीजिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में या कहीं और इस तरह कई पोस्ट है, वहां लगा दिया गया, उनको दिन में 10 मिनट का भी काम नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि नाम तो वही रहता है, पोस्ट रैंक तो आईजी या एडीजीपी है, पर उसी रैंक में सरकार चाहे तो एक आदमी को हिमालय से लेकर जमीन पे ला दे और अगले दिन चाहे तो जमीन से लेकर हिमालय पे बैठा दे। ये है हकीकत, और इसी का सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुलिस में ये चेस का एक खेल चलता रहता है कि यहां से इसको उठा के वहां पोस्ट किया, इसको इस पोजिशन में लगाया, और ये तिकड़मबाजी में ही इसी के थ्रू वो पुलिस को पूरी पूरे एकदम अपने टाइट कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा है कि जो करप्ट लोग हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनको फिर पैसा भी, अगर मान लीजिए ये भ्रष्टाचार करना हो तो भ्रष्टाचार के लिए भी उनको किसी इंपॉर्टेंट पोजिशन में होना जरूरी है, तभी वो कर पाएंगे। तो ये एक दूसरी वजह है। तो सवाल ये है कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या इसका सोल्यूशन, हल क्या है इसका? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बहुत आसान सा हल नहीं है, पर मैं आपके साथ में कुछ आइडियाज मैं शेयर कर सकता हूं। तो पहला आइडिया ये है कि अगर ये जो चेस का जो खेल खेल रहे हैं, ये इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि एक ही रैंक पे कई, हालांकि नाम रैंक तो आईजी या एडिशनल डीजीपी या डीआईजी, इस रैंक तो वही है, बट उसी रैंक में पोस्ट्स के इंपॉर्टेंस बहुत ही अलग अलग हैं, कोई पोस्ट इधर है तो कोई पोस्ट इधर है। तो जिन पोस्ट में काम नहीं है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन पोस्ट को उस रैंक से हटा के किसी जूनियर ओहदे के अफसरों को वहां पे पोस्ट किया जाए, या फिर ऐसे पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, या कई पोस्टों को मिला के कोई और पोजीशन बना दी जाए। एक काम और कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर 3-4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत ही लाइट हो, तो किसी एक अफसर को वो कई सारी चीजें मिला के दिया सकते हैं, पर इतने सारे जो रैंक और इतने सारे पोस्ट क्रिएट कर दिए गए हैं, ये न सिर्फ यहां पे एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि इसमें सरकार का भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है, इतने सीनियर अफसरों को वहां पोस्ट किया जाता है, तो उनके तनख्वाह और बाकी जो और भी जो ऑफिस के जो फैसिलिटीज हैं, सब में पैसा खर्च होता है। तो इसमें अगर ये पोस्ट हटा दिए गए तो इसमें पैसा ही बचेगा और ये प्रॉब्लम भी एक हद तक कम हो जाएगा। तो ये है पहला। दूसरी चीज जो की जा सकती है और करनी चाहिए वो ये है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत साल पहले मेरे ख्याल से 1990 के आसपास, 1993 उस समय की बात है, 94 प्रॉब्ली, टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। उसके पहले वो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। कैबिनेट सेक्रेटरी जो इंडिया की सबसे जो ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस समय उनको कोई नहीं जानता था, मतलब बाहर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग जानते होंगे, बट बाहर ऐसा कोई बहुत बड़ा उनका नाम नहीं था। बट वो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिक्स का पूरा हुलिया ही बदल डाला। तो सवाल यह है कि वो अगर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो कैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन में आके कैसे इतना हलचल मचा दिया? उसका आंसर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर वहां पे अगर पोस्ट हो गए तो उनको अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहे तो वहां से हटा के कहीं और उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उनको जो भी 5 साल का जो भी टेन्योर है वो टेन्योर उनका गारंटीड है। तो एक बार ऐसा प्रोटेक्शन मिला तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए सिस्टम में और बहुत उससे फ़ायदा हुआ देश का। तो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब कि अगर किसी अफसर को एक पोजीशन में पोस्ट किया गया तो वहाँ पे अगले 3 साल या 4 साल या 5 साल से उनको हटाया नहीं जा सकता, ये उनको अगर एश्योरेंस हो तो कुछ हद तक वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। पर ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई नया आइडिया नहीं है, ऑलरेडी इसके लिए कई सारे सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और रूल्स और गाइडलाइंस हैं। पर ये गाइडलाइंस सरकारें जब चाहें फॉलो करती हैं, जब नहीं चाहें फॉलो नहीं करती। अगर ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तो कुछ हद तक इसका एक फ़ायदा हो सकता है। अगला जो एक सजेशन वो ये है कि जो सीनियर पोस्ट हैं, मान लीजिए DGP हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जो ऐसे सीनियर पोजिशंस हैं, सरकार वहाँ पे किसी को पोस्ट करती है, ये फ्रीडम तो उनको है, वो चाहे जिसको चाहे पोस्ट करें, पर उसका एक स्क्रूटनी होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे US में, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी को मान लीजिए अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहते हो, वहाँ पे उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, तो वो कर्ज किसी को बना सकते हैं, पर उसके बाद में सेनेट जो वहाँ की राज्यसभा जैसी एक वहाँ पे जो सदन है उसका एक अप्रूवल प्रोसेस है। तो यहाँ भी एक वैसा, अगर मान लीजिए अगर आप DGP पोस्ट करें, किसी को पोस्ट करते हैं, तो जो विधानसभा हो उसकी कमेटी जो है उसको डिस्कस करके उसको एटलीस्ट डिस्कशन करे, भले अप्रूवल फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के पास में हो, बट एक डिस्कशन हो तो थोड़ा सा एक कंट्रोल रहेगा। अगर गवर्नमेंट इन रूल्स को, किसी भी रूल को वायलेट करती है, मान लीजिए किसी को ट्रांसफ़र किया गया यहाँ इस पोस्ट से किसी और पोस्ट में उनका टाइम ख़त्म होने के पहले, तो सरकार को उसका जो रीज़न है ओपनली उनको पब्लिश करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। पर ये सारी चीज़ें अगर हम करें भी तो कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो सबसे जो इसका कंट्रोल करने का इफेक्टिव तरीका है, या ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हटाने का, वो हमारे पास है, जनता के पास में है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर पुलिस में इतनी दखलंदाजी करती हैं तो क्यों कर पाती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट हुए हैं, कि उनको इलेक्ट कौन करता है? आप और हम करते हैं, नागरिक करते हैं। सरकार, नेता, पॉलिटिकल पार्टीज़ वही करती हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट देके हम ही भेजते हैं सरकार बनाने के लिए। जब तक हम अपनी सोचावट नहीं बदलेंगे, जब तक हम नहीं कहते हैं कि नहीं, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें कानून चाहिए, हमें इस तरह के ये सब खेल नहीं चाहिए, जब तक हम इसको अगर इसको हम अपोज नहीं करते हैं तो फिर इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये खेल फिर ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। देखने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।